अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अब्दुल्ला शाह, वेलकम टू एएसबी व्लॉग्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक सब्सक्राइब चैनल एंड आल्सो कमेंट एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैंने कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं डाला था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। कुछ दिन थी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 वीक्स हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, पर फिर भी ठीक होने के बाद मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और हाँ, मेरी तरफ से आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमे का मुबारक दिन है और आज मैं आप सबको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ जुमा इन इस्लाम। और हाँ, उससे पहले नहाना भी तो बहुत जरूरी है। अब नहा के आता हूँ और आपसे नहा के मिलता हूँ। समझ रहे हो आप। तो फिर मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ जुम्मा इन इस्लाम क्या है। मैं आपसे सबसे मिलूंगा नहाने के बाद और एक छोटी सी ट्रांजिशन के बाद। हमने यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया और उस्मान ने मुझे ये वाला एंगल दिया कि तुम इधर बैठो और यहाँ बैठ के अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जुम्मे की इम्पोर्टेंस। सबसे पहली बात जुम्मे के बारे में, क्या आपने साफ लिबास पहनना है, अच्छा खुशबू लगानी है। और उसके बाद दूसरी बात, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे तमाम दिनों में से सबसे फजीलत वाला, सबसे बेहतरीन दिन है वो है जुम्मे का दिन। और इस दिन पर तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो मुझ पर। दुरूद तो हमें वैसे भी दूसरे दिनों में भी पढ़ना चाहिए, पर जुम्मे के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और जुम्मे के मुतालिक दूसरी बात ये कि आपने सूरतुल कहफ पढ़नी, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेगा, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक उसके लिए एक नूर चमकता है। और इसके मुतालिक एक और बात है कि अगर कोई सूरतुल कहफ, क्योंकि एक लंबी सूरत है, मतलब 15 पारे शुरू होती है, आधा 15 सपाड़ा, फिर 16 सपाड़े की जाके शुरू में जब 16 सपाड़ा शुरू होता है तो उसकी एंडिंग पे जाके कहीं बीच में ख़त्म होती है, थोड़ी लंबी सूरत है। इसलिए अगर कोई शख्स पूरी नहीं पढ़ सकता तो वो इसकी पहली 10 आयात पढ़ ले। और एक और बात, कुछ लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं मगर जुम्मे का खुतबा नहीं सुनते हैं, मगर जुम्मे का खुतबा सुनना फ़र्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब जुम्मे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। यहाँ पे जिक्र से मुराद खुतबा है, इसलिए खुतबा सुनना फर्ज है। अच्छा, ये सारी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, बट हाल अभी जुम्मे का टाइम होने वाला है, तकरीबन 1:15 हो गया और हमारे यहाँ का जुम्मा कि उस्मान 1:45, हाँ 1:45 हमारे यहाँ का जुम्मा होता है। और फटाफट जुम्मा पढ़ने चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, जुम्मा पढ़ के मैं आ गया था और इतनी गर्मी थी भाई, इतनी गर्मी थी, मस्जिद में भी इतनी गर्मी हुई हमारी, जहाँ की जो एक हमारी छोटी मस्जिद है एक बड़ी मस्जिद है, जो बड़ी मस्जिद है ना वहाँ के एसी का जो आउटडोर होता है ना वो कुछ चोरी करके ले गए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। बट हाल अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ, देखते हैं क्या करना है। खाना वगैरह मैंने खा लिया था और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने चेंज कर लिया, मैंने आसान से ये ट्राउजर और शर्ट पहन लिया है। और बाहर बच्चे आए हैं पढ़ाने के लिए, अभी उनको पढ़ाने जाता हूँ और आपको सबको भी दिखाता हूँ कि वो आजकल कैसा पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों? यार सलाम तो कर लो, चलो क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी जा रही है आप दोनों की पढ़ाई आजकल? स्कूल सारा सही जा रहा है? स्कूल की टीचर सही पढ़ा रही? अच्छा, मैं तुम दोनों से एक चीज़ पूछता हूँ कि तुम दोनों का सबसे जो गंदा सब्जेक्ट लगता है ना, तुम लोगों को बुरा लगता है, जिसकी तुम लोगों को समझ भी नहीं आती, वो कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स की नहीं। चलो मैथ की तो मुझे भी समझ आती है कि मैथ, जब मैंने लास्ट टाइम, मैं भी जिस स्कूल में मैथ जाता था ना उस स्कूल में यही जाते हैं, मैंने भी मैथ उनसे ही पढ़ी जिनको अब ये पढ़ा रहे हैं, मुझे भी उनकी कोई समझ नहीं लगी थी। चलो मैथ समझ आते हैं, फीस का क्या हिसाब है तलहा? देखो शहरियार तो बाजी है, शहरियार ने कहा है कि नहीं मुझे फीस की समझ आती है, तुम बताओ। दिमाग सर में जाती नहीं है, यहाँ से जाती है सीधा ऊपर। क्या सर में जाती नहीं? बात ही सर में जाती है यार। गर्मी की क्या सूरत हाल है स्कूल में? जब हम थे तब तो बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल होता था स्कूल में, बहुत गर्मी होती है। हमारी फिजिक्स की टीचर ना ऐसे पंखे चल रही होती है, 4000 फीस लेके 2 नंबर पंखे लगाए हैं।
है स्कूल वाले भी कोई देख ही रहा होता तो मैं ऐसे तो ना बोलो। चल यार अच्छे पंखे लगाए हैं, कूलर थोड़ा सा ऊंची भी तो बोला करो। अच्छे पंखे लगाए अच्छा इस लोगों को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। और हाँ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं आगे कौन सी वीडियोस बनाऊँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।